कल मुंबई के एक थिएटर में फिल्म वजीर का सेकेंड टीजर लॉन्च हुआ, जहां पहुंचे हुए थे महानायक अमिताभ बच्चन, फरहान अख्तर, डायरेक्टर बिजॉय नामियार, राजकुमार हिरानी और प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले बात आई चेस के खेल की। अमिताभ बच्चन के हिसाब से चेस के खेल में सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है, उन्होंने खुद बताया। सर, मेरा ऐसा मानना है कि प्यादा जो है ना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। धीमे धीमे चलता है और उसमें इतनी काबिलियत होती है कि वो राजा को ही मात दे। कल ही अमिताभ बच्चन की शादी की सालगिरह भी थी, तो ये दिन उन्होंने कैसे मनाया इसके बारे में भी जिक्र किया अमिताभ बच्चन ने। पत्नी है नहीं मुंबई में जी, वो विदेश में है और ठीक 12 बजे रात को हमने उनको बधाई दी। अभी यहाँ आने से पहले फिर हम फेस टाइम पे बात कर रहे थे, वो हमें बधाई कहना चाह रही थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि देखिए देर हो रही है, यहाँ पर सब मीडिया इंतजार कर रहा है, मुझे जाना है, मैं भाग आया। अब मैं वापस जाकर के फिर बात करूंगा उनसे और आपकी बात जो है उन्हें अवश्य कहूंगी। वेल, इन दिनों चल रही मैगी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में भी अमिताभ बच्चन ने बोला। मैडम, अभी तक आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस, एज सून एज आई विल गेट इट आई विल पुट इट अप टू माय लॉयर्स, वी विल फुली कोऑपरेट विद व्हाटएवर द लॉ सेज। I want to also add that, you know, I stopped endorsing Maggi 2 years ago. I don't endorse Maggi anymore now. And that happened 2 years ago, so I haven't been associated with the product. Well, ऐसा कम ही होता है कि अमिताभ बच्चन विवादों में घिरे, और जब भी घिरते हैं तो उससे बाहर निकल ही आते हैं, और बाबूजी की एक बात हमेशा से कह जाते हैं। जिसको समझा था सोना वो मिट्टी निकली, जिसको समझा था मोती वो आंसू निकला, जीवन की आफत हफी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ गई, ये सोच समझो किया।